खरगोन शहर की विश्व सखा कॉलोनी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्म दिवस पर लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया गया। साथ ही पौधारोपण करके आयोजन को यादगार लम्हा बनाया गया, जहां पूर्व कृषि मंत्री बालकृष्ण पाटीदार, कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा, बाबूलाल महाजन, कल्याण अग्रवाल सहित अनेक अधिकारी, कर्मचारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पार्षदगण मौजूद थे। बताया जा रहा है कि जिले की तकरीबन 3 लाख महिलाओं को 1,000 रुपए महीने की राशि से लाभान्वित किया जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के जन्मदिन के अवसर पर महिलाओं को तोहफा दिया गया। साथ ही योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को नियमावली के बारे में समझाया गया। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। तो जैसा शिवराज जी ने कहा, हम सब जानते हैं प्रतिदिन एक वृक्ष लगाते हैं और आज एक शिव वाटिका के रूप में लोकार्पण। हम भी संकल्प लें कि हम प्रतिदिन तो नहीं, परंतु अपने जन्म दिवस पर निश्चित रूप से एक वृक्ष लगाएंगे। अनेक योजनाओं की बात हुई, आयुष्मान हो, उज्ज्वला हो, लाडली लक्ष्मी हो, कन्यादान हो, लाडली बहना योजना, उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर मुझे वो गाने की पंक्ति याद आ रही है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1,000ों में मेरी बहना है। आप सबको सम्मानित करते हुए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अर्पण किया इस वाटिका का नामकरण शिव वाटिका के रूप में किया। देखिए ये भी संयोग है, आज हम शिव वाटिका का लोकार्पण किया, हमारे कलेक्टर भी शिवराज और मुख्यमंत्री भी शिवराज। तो फिर खरगोन में तो हम सोच सकते हैं कि अब आनंद ही आनंद है, और वो सचमुच, यहां पत्रकार मित्र भी हैं, एक उत्सवी वातावरण है हमारे। जो अभी विकास यात्रा हम लोग गांव गांव गए, और उस विकास यात्रा में ऐसे अनूठे अनूठे अनुभव हुए, इससे मन में एक बहुत प्रसन्नता है। लगता है कि हमने जो संकल्प लिया है इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बनाने का, वो साकार होना। दसनावल में एक सभा में मैं गरीबी पर बात कर रहा था, तो एक आदिवासी वहां से खड़ा हुआ और दोनों हाथ खड़े करके जोर से बोला, गरीबी भाग गई, गरीबी भाग गई। वो आया मेरे पास, मैंने उसको माला डाली, गरीबी भाग गई, ये जनता बोल रही। मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहना योजना का प्रदेश स्तर से शुभारंभ हो रहा है, और चूंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के का जन्मदिन भी है, तो खरगोन जिले में शिव वाटिका का भी यहाँ पर लोकार्पण हुआ है, यहाँ पर वृक्षारोपण भी हुआ है। और आप सभी को मालूम है, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार 2 वर्षों से बिना किसी नामया के रोजाना पौधा लगा रहे हैं। पौधे हमारी प्राण वायु है, इसमें सभी लोगों की हमारी भी ये जिम्मेदारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक मैसेज रहता है, 2 साल से पौधे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमको पौधे ही प्रदान करते हैं। हमको जहाँ पर भी जगह मिले हमको अवश्य पौधा लगाना चाहिए। और हम लोग खरगोन में भी यहाँ पर कुछ जगह हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ऐसी जगह जो जहाँ पर बहुत अच्छी जगह बन सकती है, पर्यटन स्थल बन सकता है। हम जन सहयोग से एक दो जगह ऐसी यहाँ पर विकसित करेंगे, और वहाँ पर हर कोई व्यक्ति अपना चाहे जन्मदिन मनाए चाहे शादी की सालगिरह हो, वहां पर वृक्षारोपण कर पाएगा। आज बहुत महत्वपूर्ण योजना के बारे में मैं केवल थोड़ी सी चीज कहना चाहूंगा, बाकी हमारे जनप्रतिनिधि लोगों ने सब बताया है। मैं खरगोन जिले में ये हम लोग 25 तारीख से करने जा रहे हैं, 25 मार्च से। पहले इसके फॉर्म 15 मार्च से लिए जा रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीसी में बताया कि चूंकि इसकी पहले तैयारी जरूरी है, फॉर्म भरे जाए तो उस समय लोगों को समस्या, महिलाओं को समस्याएं ना आए, इसके लिए हम लोग उससे पहले सर्वे करा रहे हैं, घर घर सर्वे कराएंगे। टीम हम लोगों ने बना दी है और अभी ट्रेनिंग चल रही है सबकी। इसमें 2-3 चीज़ें महिलाओं को, सबको, और यहाँ पे लोग जनपति बैठे हुए हैं, सबको समझनी होगी कि ये योजना तभी हम लोग इसका सभी को लाभ दिला पाएंगे जब छोटी छोटी त्रुटियों को हम लोग सही कर लें। जैसे कि सबसे पहले इसमें जो काम है हमारा समग्र आईडी का, हर परिवार में एक समग्र आईडी होती है और उस महिला की भी आईडी होती है, परंतु उस समग्र आईडी के साथ साथ में उसका ईकेवाईसी होना जरूरी है। ईकेवाईसी मतलब समग्र आईडी को आधार से लिंक करना। तो यहाँ पर जो जितने भी लोग बैठे हुए हैं हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने बताया हुआ है, अभी घरों घर जाके ऐसे ही महिलाओं सबको चेक करने के लिए बोल दें कि उनका ईकेवाईसी यदि नहीं हुआ है
तो सबसे पहले वो नगर पालिका के कर्मचारियों से जा करके नगर पालिका के कर्मचारी हर वार्ड में ऐसी व्यवस्था बनाए ताकि आसानी से महिलाओं को EKYC हो सके, एक चीज। दूसरा, इसमें उसका जो आधार है, आधार में और EKYC में एक अंतर आने की संभावना रहती है। किसी व्यक्ति का, किसी भी महिला का, यदि आधार में नाम में थोड़ा सा ही अंतर है, समग्र के नाम से थोड़ा सा अंतर है, तो इसका आगे उसको लाभ इसका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर वाली स्कीम है। DBT डायरेक्ट बेनिफिट जो योजना है, इसमें पैसा सीधे खाते में आना है। तो खाता कब होगा, पहले उसका समग्र का आधार से नाम मैच करना होगा। तो यदि मान लो किसी का समग्र आधार में अंतर है, तो आधार में नाम सही करने में थोड़ा टाइम लगता है। यदि बहुत ज्यादा गलती है तो आधार में सही करा लेना चाहिए। यदि छोटी मोटी गलती है तो समग्र के नाम को सही करा लिया जाए, समग्र आधार के नाम से समग्र को मैच कर लिया और समग्र का नाम 24 घंटे में सही हो जाता है। तो ये काम करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ में एक खाता जिस महिला को उसमें पैसा मिलेगा, अक्सर महिलाओं के खाते भी होते हैं, कई महिलाओं के खाते होते हैं परंतु उसमें ट्रांजेक्शन नहीं होते, तो वो खाता इनएक्टिव हो जाता है, मतलब वो चालू नहीं रहता है। तो चालू नहीं रहेगा तो वो भी एक समस्या है, उसको लाभ नहीं मिलेगा। तो DBT करने के लिए खाता चालू होगा भी और यदि वो आधार से लिंक नहीं है तो वो भी समस्या है। तो इसमें तीन चीजें हो गई हैं इसमें, कि एक तो समग्र की EKYC कराना, दूसरा उसका आधार को खाते से जोड़ना और बैंक का जो अकाउंट है वो चालू रहे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।